वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का जो हाई कमिश्नर है टू कनाडा, साथ ही साथ जो डिप्लोमेट्स है उनको इंडिया ने अपने तरफ से विदड्रॉ कर लिया। मतलब उन लोगों को कहा गया है कि आप लोग इंडिया वापस आ जाइए। आगे जाके इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप चैनल में पुराने हैं तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कनाडा गवर्नमेंट के तरफ से, जिसमें कहा गया था कनाडा गवर्नमेंट के तरफ से कि वो लोग हम लोग का जो वन इंडिया है, मतलब इंडिया का जो डिवीज़न बोलता था खालिस्तान के तरफ से, जो बोला जाता था कि भाई अलग से फिर से हम लोग बनाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे, खालिस्तान बनाएंगे, तो ये जो है वो लोग सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही साथ कनाडा गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया कि इंडिया जो वन इंडिया है वो ही कॉन्सेप्ट को वो लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया का डिवीज़न होना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट आया था बस कुछ दिन पहले, अगर आप चाहे तो चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मगर अचानक से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो हाई कमिश्नर है उनको विदड्रॉ कर लिया, साथ ही साथ जो डिप्लोमेट्स है उनको विदड्रॉ कर लिया कनाडा से। प्रेजेंटली ट्रूडो गवर्नमेंट ने इंडिया के जो हाई कमिश्नर है टू कनाडा संजय कुमार, उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। एज पर ट्रूडो गवर्नमेंट हो सकता है कि ये निज्जर जो मर्डर केस हुआ था इसमें इंडिया के जो हाई कमिश्नर है वो भी इसमें शामिल है, या फिर उसको कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एज पर ट्रूडो गवर्नमेंट इंडिया के जो हाई कमिश्नर है उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा और उससे उन लोगों को पता चल जाएगा कि जो निज्जर मर्डर केस हुआ था उसमें जो इंडिया के हाई कमिश्नर है संजय कुमार उनके साथ ये कनेक्टेड है या नहीं। तो अगर देखा जाए ये काफ़ी एक निंदनीय घटना है, अगर देखा जाए इंडिया के लिए ये काफ़ी शर्मदायक घटना है। इंस्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से इसमें स्टेप लिया और इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से बोला गया है कनाडा के जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उनको कि आप लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते और इसीलिए हम लोग के जो हाई कमिश्नर है साथ ही साथ हम लोग के जो डिप्लोमेट्स है वो हम लोग इंडिया में वापस ला रहे हैं। उन लोगों को बोला गया कि आप लोग इंडिया में वापस आ जाइए। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है इंडिया और कनाडा के बीच में नो डाउट ये काफ़ी ख़राब है और आगे जाके ये सिचुएशन और भी ख़राब हो सकता है। मगर ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसका एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, अगर देखा जाए बहुत सारा इफेक्ट इसमें आएगा इन फ्यूचर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो कनाडा के ऊपर होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट करके मैं समझा देता हूँ। पहला जो पॉइंट है, हम लोगों को पता है कि अभी रशिया में ब्रिक्स होने वाला है जिसमें हमारे मोदी जी जाने वाले हैं, ऑन द अदर साइड शी जिनपिंग या फिर दुनिया के बहुत सारे जो बड़े लीडर्स है हर कोई वहाँ आने वाला है। पहले से ही एक कंपटीशन चल रहा था दुनिया में, जिस कंपटीशन में ब्रिक्स वर्सेस G7 जो है ये देखने को हम लोग को मिल रहा था, क्योंकि 2025 में G7 होने वाला है जो कि कनाडा में होने वाला है। एक तरफ जैसे रशिया चाइना ये सब कंट्री चाहता है कि आगे जाके ब्रिक्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ऑन द अदर साइड जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो USA ये लोग चाहते हैं कि भाई G7 ज़्यादा सक्सेसफुल हो 2025 में। तो अगर ब्रिक्स समिट में मोदी जी जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो प्रेजेंट मूवमेंट है इसका इफेक्ट तो उसमें आएगा ही, और नो डाउट मोदी जी भी चाहेंगे कि भाई आगे जाके अगर कोई कंट्री हम लोग को साथ ऐसा कर रहा है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएंगे। हो सकता है कि मोदी जी अपना कोई भी स्टेटमेंट में कनाडा का नाम ना ले, ऑन द अदर साइड कनाडा को पता है कि प्रेजेंट जो उन्होंने किया है आगे जाके इसका इफेक्ट ऑब्वियसली ब्रिक्स में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग 2025 में जो G7 होने वाला है उसको अगर देखें, मतलब ये जो G7 होने वाला है ये G7 आपका कनाडा होस्ट करेगा। G7 में हर बार इंडिया के लिए एक इन्विटेशन आता है, ये एक स्पेशल इन्विटेशन होता है जिसमें इंडिया जाके G7 में पार्टिसिपेट करता है। और इस बार जब ट्रूडो से पूछा गया था कुछ दिन पहले एग्जैक्टली कि आप लोग क्या इंडिया को इन्वाइट करेंगे इस बार या नहीं, तो ट्रूडो ने अपने तरफ से बोल दिया कि हम लोग इसमें अभी सोचे नहीं, आगे जाके हम लोग सोचेंगे, जब सोचेंगे तब आप लोगों को इस बारे में जो भी डिसीजन है वो हम लोग आपको पब्लिक कर देंगे। तो प्रेजेंटली जो G7 होने वाला है उसमें अगर इंडिया को इनविटेशन नहीं मिलता या फिर इनविटेशन मिलने के बाद, मतलब 2025 में जो कनाडा में G7 होने वाला है उस G7 में अगर इनविटेशन मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कोई नहीं जाता या फिर मोदी नहीं जाता है तो ये कड़ाड़ा थप्पड़ होगा कनाडा के मुँह पर कि भाई देख लो आप लोगों का जो G7 है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंट्री है पास्ट में जो रिकॉर्ड है आप लोग ये सब कर रहे हो, ऑन द अदर साइड आपके कंट्री में बैठ के ही आपका जो ये निज्जर है या फिर आपका ये जितना भी ये जो पन्नू है ये सब स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के अगेंस्ट में और आप लोग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ बोलते हो कि भाई हम लोग का जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, आप लोग इन लोगों को ही सेफ करते हो। तो नो डाउट अगर ऐसा ही हालत रहा आगे जाके मोदी जी कभी भी G7 में जाने वाले नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर कनाडा मोदी जी को नहीं इन्वाइट करता है तो दुनिया के सामने एक बात क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड में जो टॉप 5 इकोनॉमी है आज के डेट में अगर देखा जाए आपका कंप्लीटली डिसीजन है आप इंडिया को कहाँ रखते हैं, नंबर 3rd पे रखते हैं या फिर नंबर 4th पे रखते हैं या फिर नंबर 5th पे रखते हैं, तो जो भी है दुनिया में जो सबसे बड़ा 5 इकोनॉमी है उनमें से अगर कोई एक नहीं जाता या फिर अगर दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है जो उसका इकोनॉमी भी इस लेवल पे ग्रो कर रहा है अगर वो नहीं जाता है G7 में तो आगे जाके क्या G7 को सक्सेसफुल माना जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया G7 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कनाडा में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, G7 को कोई सक्सेसफुल मानेंगे, या फिर दुनिया में वेस्ट के जो चंटू वन टूज है, जैसे कि US के बहुत सारे चंटू वन टूज है, वो लोग US कुछ बोलने से पहले हाँ हुजूर बोल देते हैं और जी हुजूरी करते रहते हैं, तो वो लोग बोल सकते हैं। एक्सेप्ट दैट अगर आप दुनिया में जो कंट्री इंडिविजुअली अपना राय देता है या फिर अपना स्टैंड लेता है, जो भी अपना व्यू है वो अपना तरफ से आगे बोलता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कंट्री नहीं सोचेगा कि भाई G7 ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑन द अदर साइड अगर G7 ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है तो ऑब्वियसली ब्रिक्स को ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा। तो आगे जाके इसका जो इफेक्ट है ऑब्वियसली US पे भी आने वाला है, और US कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई रशिया या फिर चाइना का ब्रिक्स के आगे ऐसे वो लोग मतलब पीछे पड़ जाए अपना G7 को लेके। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आगे जाके ट्रूडो के ऊपर। एक और इफेक्ट आ सकता है कनाडा का प्रेजेंट जो मूव है उसके वजह से, अगर हम लोग 2023-24 में देखें इंडिया और कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपका राउंड अबाउट $8.4 बिलियन का है। आगे जाके अगर इंडिया अपने तरफ से कनाडा का यही जो मूवमेंट है इसके वजह से इंडिया अपने तरफ से अगर ट्रेड बंद कर दे, हो सकता है कि इंडिया जो इंपोर्ट कर रहे वो इंपोर्ट ना करे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा का जो ट्रेड है ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट आएगा। अगर हम लोग 2023 के लास्ट क्वार्टर में देखें तो हम लोग को पता चलता है कनाडा का जो इकोनॉमी है ये 0.2% एक्सपैंड किया था ड्यू टू द एक्सपोर्ट, और यही एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाता है आज के डेट में इंडिया के साथ अगर बंद हो जाता है तो हो सकता है कि आगे जाके बहुत सारे कंट्रीज भी कनाडा के साथ जो ये सब एक्सपोर्ट है वो लोग भी अपने तरफ से बंद कर दें। अगर इंडिया के साथ भी बंद हो जाता है तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो एक्सपैंड था ये आगे जाके नहीं होगा। अगर हम लोग ये जो एक्सपोर्ट है इसको हम लोग पिछले साल का एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तभी जाके हम लोग को 0.2% का ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी एक छोटा ग्रोथ है। मगर ये ग्रोथ अगर नहीं रहेगा, ऑन द अदर साइड अगर ये नेगेटिव में जाएगा तो नो डाउट कनाडा का जो प्रेजेंट कंडीशन है इकोनॉमिकली उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। रिगार्डिंग जॉब्स हो, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन हो, सब में प्रॉब्लम आएगा। और अगर ये प्रॉब्लम अराइज करता है, हम लोग को पता है कि कनाडा का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो आपका सितंबर फेडरल इलेक्शन का बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में हुआ था सितंबर में। अब यही इलेक्शन 4 साल बाद होने वाला है, मतलब ऑब्वियसली 2025 में आएगा। अगर ये सब इफेक्ट आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रूडो का जो गवर्नमेंट है क्या ये फिर से अपना जो गवर्नमेंट है ये फॉर्म कर पाएगा? नो डाउट ये कभी भी नहीं कर पाएगा। प्रेजेंटली अगर आप ट्रूडो का हालत देखें ये काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ट्रूडो ने अपने तरफ से कभी भी अकेला गवर्नमेंट नहीं बनाया, उसके पास जो सपोर्ट हुआ करता था वो है आपका NDP मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब ये सपोर्ट जो है NDP ने विड्रॉ कर लिया है, और यही सपोर्ट के वजह से ट्रूडो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। हो सकता है कि कभी भी हम लोगों को सुनने को मिले आने वाले 5-6 महीने में कि कनाडा में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है ये गिर गया है और फिर से इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में कौन जीतेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर में। तो नो डाउट ये जो कनाडा का प्रेजेंटली क्या कर रहा है इसका इफेक्ट तो आगे कनाडा को भुगतना ही पड़ेगा, और क्या क्या इफेक्ट आ सकता है बस उसका एक छोटा सा लिस्ट ये था। अब आते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ, मतलब कनाडा के जो ट्रूडो है जस्टिन ट्रूडो उन्होंने क्यों ऐसा स्टेप लिया, या फिर इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, अचानक से क्या हुआ था कनाडा में, क्या प्रॉब्लम होता। प्रेजेंटली जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रूडो को आगे इलेक्शन के बारे में सोचना है, उसको पता है कि भाई अगर इलेक्शन जीतना है तो मुझे नेशनल हीरो बनना होगा, क्योंकि हर कोई कंट्री में जो अभी कनाडा के जो सिटीजन है उन लोगों को मुझे वोट देना पड़ेगा। अगर देखा जाए NDP आगे जाके ट्रूडो को सपोर्ट करेगा नेक्स्ट इलेक्शन में या नहीं ये भी पता नहीं, प्रेजेंटली उन लोगों का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, और सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद ही कनाडा के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जो वन इंडिया वाला था। अगर आप चाहे तो जैसे मैंने आपको कहा कि चैनल में वीडियो अवेलेबल है आप जाके देख सकते हैं। मगर प्रेजेंट जो है ट्रूडो को चाहिए एक इशू जो ट्रूडो को फिर से नेशनल हीरो बना दे, मतलब कनाडा के सारे जो सिटीजन है वो ट्रूडो को वोट दे। ऑन द अदर साइड अगर सब कोई वोट नहीं भी देता है तो कनाडा के जो प्रेजेंटली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ट्रूडो को सपोर्ट करे। तो ट्रूडो ने अपने तरफ से समझा कि भाई अभी क्या करें, अभी कनाडा को क्या करना है जिससे ट्रूडो आगे जाके हीरो बन सकते हैं। ट्रूडो ने सोचा कि भाई चलो इंडिया से पंगा ले लेते हैं, पुराना तो केस चल रहा था उसमें थोड़ा सा उंगली करते हैं, उसमें क्या होगा दुनिया में हर कोई सोचेगा कि भाई देखो ट्रूडो तो अकेला ही लड़ पड़ा इंडिया जैसे कंट्री के साथ, इसके अलावा भी अगर हम लोग के जो कंट्री के सिटीजन है वो लोग सोचेंगे कि भाई एक जो निज्जर था उसका मर्डर के जो ऑब्वियसली कैनेडियन सिटीजन था उनके केस के लिए हम लोग का जो PM है वो लड़ पड़ा है, तो मतलब हम लोग को इसको वोट देना चाहिए। तो ये जो चांसेस है ये ट्रूडो कभी भी खोना नहीं चाहेगा, और ट्रूडो ने अपने तरफ से बोला कि ठीक है चलो भाई उसको उछालो, अब आगे जाके इंडिया को थोड़ा सा चमकाते हैं। अब कैसे चमकाते हैं, भाई एक काम करो उन लोग के जो हाई कमिश्नर है उसको हम लोग एक्यूज कर देते हैं, आगे जाके देखते हैं इंडिया क्या करते हैं। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया को पता है इंडिया को क्या करना है, इंडिया ऐसा नहीं कि ट्रूडो की तरफ हर टाइम आके बोलेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा, तो इंडिया ने अपने तरफ से जो करना है वो कर लिया। ऑन द अदर साइड ट्रूडो का ये जो मूव था इसके वजह से ट्रूडो को दो तरह से फायदा हो सकता है। पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि भाई वोट मिल सकता है, अगर वोट नहीं भी मिलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रूडो फिर से जाएगा NDP के पास, जाके बोलेगा देखो भैया
आपके निज्जर को लेके हम लोग तो इतना सब कुछ किए, हम लोग इंडिया के अगेंस्ट में फिर से लड़ पड़े, आप लोग एक काम करो फिर से हम लोग को सपोर्ट कर दो और हमको पीएम बना दो, आगे जाके आप जो भी करते रहोगे, अगर आप कनाडा में बैठ के इंडिया को तोड़ने का बात करोगे, खालिस्तानी मूवमेंट रन करोगे, कुछ भी करोगे, हम लोग पूरा आपको छूट दे के रखेंगे। और आगे जाके कोई भी कोई क्वेश्चन उठेगा तो हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग का जो कंट्री है वहाँ में डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब थोड़ा बहुत जो टर्म है एक एक करके हम लोग लिख के पूरा चिपका देंगे, आगे वाला कुछ नहीं बोल पाएगा, आप लोग जो चाहे करते रहे ना, मगर आप लोगों के लिए देखिए हम लोग इंडिया से भी पंगा ले लिए, अभी हमको आप इलेक्शन में भी सपोर्ट करो। तो नो डाउट ये जो मूवमेंट है ये ट्रूडो का एक बहुत ही स्मार्ट मूव था इंडिया के अगेंस्ट में, जिसको अभी से प्लान करके यूज करके आगे जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जीतने का कोशिश कर रहे हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या करेगा, अगर हम लोग पास्ट में भी देखें इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से कनाडा को बोल के रखा है कि अगर आप लोग के पास कोई वैलिड प्रूफ है तो वो प्रूफ जो है आप इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट करो, हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। ऑन द अदर साइड इस बार जब हाई कमिश्नर का ये इशू हुआ, इंडियन गवर्नमेंट क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई आप लोग का जो ये इन्वेस्टिगेशन है इस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते। आज के डेट में अगर कोई देश के मुंह में कोई दूसरा कंट्री ऐसा बोलता है तो आपको सुनने में कैसा लगेगा, और इसके वजह से जो हाई कमिश्नर है वो विथड्रॉ कर लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी आगे जाके क्या करेगा, प्रेजेंटली अगर कनाडा का आप देखें, कनाडा का तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है, जिसमें कनाडा के तरफ से कहना है कि भाई हम लोग बहुत सारे वैलिड प्रूफ दे दिए, जिसमें प्रूफ हो जाता है कि भाई आप लोग के जो कंट्री के सिटीजन है या फिर आप लोग के कंट्री के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है वो लोग कनेक्टेड है जो निज्जर का डेथ हुआ था उसमें। मगर ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये कभी भी पब्लिक नहीं किया कनाडा में, पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर इसको पब्लिक करता है या फिर कनाडा के तरफ से अगर पब्लिक किया जाता तब हम लोग इसमें बात कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, प्रेजेंटली जो है हमारे मोदी जी ब्रिक्स में जाएंगे, ब्रिक्स नो डाउट अभी अगर ऐसे ही कनाडा के तरफ से ऐसा फिर से सीजन 2 या सीजन 3 आता रहा तो ब्रिक्स और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा भी अगर देखें एक टाइम के बाद US गवर्नमेंट कनाडा का ये जो बचपना है ये सब एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मूव है ये कम्प्लीटली जो कंट्री के जो पॉलिटिक्स है उसमें ट्रूडो को जीतना है उसको सोचते हुए ट्रूडो ने अपने तरफ से किया है। मतलब ट्रूडो ने सिर्फ जो प्रेजेंट मूवमेंट है कि भाई आगे जाके मुझे इलेक्शन जीतना है उसके लिए मुझे क्या करना है वही मैं कर रहा हूँ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए G7 अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम US कनाडा को मतलब कोई भी प्यार से ट्रीट नहीं करेगा, और प्रेजेंटली हम लोगों को पता है कि US में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो US में अगर इलेक्शन हो जाता है उसमें कौन आता है, कमला हैरिस आता है या फिर ट्रंप आता है, जो कोई भी आएगा अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हैंडल ट्रूडो कि भाई आप लोग के वजह से हम लोग का जो G7 है 2025 में वो अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो भाई हम लोग तो आपका ये सब जो इतना स्मार्ट मूव आप इतना दिन से प्लान कर रहे थे आपके खुद का इलेक्शन जीतने के लिए, तो आपको भी हम लोग बुलाते, आइए बैठिए और बात करते थोड़ा सा क्या क्या है वो आए और इंडिया के साथ हमने कैसा रिलेशन खराब किए हो और जिसके वजह से हम लोग का G7 पे इफेक्ट आता है, आगे जाके रशिया और चाइना जो है हम लोगों के ऊपर हंस रहा है। तो नो डाउट ये सब न्यूज़ जब हम लोग के सामने आएगा हम लोग वेट करते रहेंगे कि भाई अब ट्रूडो का जो शक्ल है वो हम लोग को देखना है। इसके अलावा भी हम लोग को पता है कि ये जो इंसिडेंट है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे सीजन आने वाले हैं। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोग के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा और उसी वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL में जाइए, वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज है डिफरेंट टॉपिक में। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट आपको क्या पसंद है क्या देखना आपको अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहता है। इसके अलावा भी जब भी चैनल में जाइए जा रहे हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।